सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पिकल यानी कि मिक्स अचार। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। खीरा लिया है यहाँ पर मैंने, एक दरमियाने साइज़ का, और इसको इस तरह की शेप में कट कर लिया है मोटा। गाजर ली है यहाँ पर मैंने एक, और इसको गोल कट कर लिया है। आप देख रहे हैं थोड़ा मोटा कट किया है हमने इसको। मूली ली है हमने एक, और इसको भी गोल गोल कट कर लिया है जैसे गाजर कट की थी। फूल गोभी लिए हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब, और ये इस तरह इसके फूलों को अलग कर लिया है बस, और इसको ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन लिए मैंने चंद जगह यहाँ पर ले लिए। ये यहाँ पर हम अचार के अंदर अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स लेते हैं, जो आप ज़्यादा पसंद करें आप वो वेजिटेबल्स ज़्यादा या कम कर सकते हैं। वह लहसुन मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये ज़रूर ऐड किया है। इसके अलावा मैंने एक शिमला मिर्च ले ली, और ये 7 से 8 इस तरह की हरी मिर्चें हैं ये ले ली हैं। मोटी लें या पतली लें आप इस तरह की ले सकते हैं। सॉल्ट लिया है हसबे ज़रूरत या 1.5 टीस्पून। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राई, 1 कप सिरका, 1 कप शुगर। एक यहाँ पर मैंने एयरटाइट जार ले लिया है जिसमें 500 ग्राम्स के करीब हमारा अचार पूरा आएगा। आप इसको जितनी क्वांटिटी में अचार बनाएंगे उस हिसाब से अपना जार बड़ा या छोटा ले सकते हैं। 1 गिलास पानी या फिर 2 कप, जितनी अभी हम जब हम अचार बनाना शुरू करेंगे उस वक्त हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उतना यूज़ करेंगे। सबसे पहले पैन में ये 1 गिलास पूरा पानी में डाल रही हूँ, और इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, शुगर। अब शुगर को बस इतना पकाना है कि ये शुगर हमारी घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए बस, उससे ज़्यादा हमें पानी को नहीं पकाना है। ये राई भी साथ में डाल दें। अब ये देखें इस शुगर का दाना बिल्कुल डिसॉल्व हो गया है, शुगर हमारी डिसॉल्व हो गई है। अब हम इसके अंदर ये पूरा 1 कप हमारा जो सिरका है विनेगर ये ऐड कर दिया, और इसके साथ साथ हम वेजिटेबल्स डालेंगे इसमें। हरी मिर्ची भी साथ में डाल देते हैं, शिमला मिर्च। अब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक या 1.5 मिनट हमने इसको वेजिटेबल्स को बस इसको बिल्कुल मिक्स करना है, पकाना है, और उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे हम, और इसको जार में हम शिफ्ट कर देंगे। ये बिल्कुल झटपट अचार होता है, और आप ये देखें कि हेल्दी भी होता है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है, और टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप देखें कितनी जल्दी बन जाते हैं। अब ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, 1 मिनट हुआ है इसको पकते हुए। अब मैं इसका सिंपल जो है चूल्हा ऑफ कर रही हूँ, बंद कर दिया मैंने। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, और जब कम्प्लीटली हमारा ठंडा हो जाएगा और उसके बाद में हम इसको शिफ्ट करेंगे जार में। अब ये हमारा अचार जो है कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको सिंपल आप देखें जार हमारा जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कोई पानी नहीं एक्स्ट्रा, और साफ़ सुथरा धुला हुआ हो। अब मैं ये जार में डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। ये देखें मैंने जार में इसको फिल कर दिया है पूरा, और अच्छे तरीके से पूरी वेजिटेबल्स को प्रेस करके हमने, और पानी ऊपर हमने इसका फुल ऊपर तक भर दिया जितना उसमें था। अब मैं इसके ऊपर इसका जो ये इसका कैप है ढक्कन इसका हम इसको बंद कर देंगे। एयरटाइट जार आप लीजिएगा। अब आप इसको 7 से 8 दिन के लिए इसको इसी तरह से रख दें किसी, और बिल्कुल रूम में रखें, धूप पे रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसमें आप देखें ऑयल भी हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, बस सिरका जो है थोड़ा टाइम लेता है वेजिटेबल्स में फ्लेवर आने के लिए, इसलिए 7 से 8 दिन के लिए हम इसको ऐसे ही बंद करके जार को रख देंगे।
और 7 से 8 दिन के बाद ये बिल्कुल अचार हमारा रेडी होगा खाने के लिए। और अब आपको पता है कि भैया जैसे पसंद करे खाना उस तरीके से आप लोग खाइए मज़े से, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट बहुत होता है, हेल्दी भी बहुत होता है। तो आप लोग इसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब तक मैं कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके आती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।